हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृत राज और स्वागत है आपका अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िजिक्स में। आइए आज डिस्कस करते हैं सीबीएसई क्लास 12th के फ़िजिक्स के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे कि फ़िजिक्स के 12th के एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके पैटर्न क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है जानना कि आपको फिजिक्स कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स में 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होता है और 70 मार्क्स थ्योरी के लिए होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस 70 मार्क्स के थ्योरी के लिए, जिसके रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 आवर्स का टाइम मिलता है। और वेटेज जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वो इस तरह से है, डिफरेंट चैप्टर्स के लिए डिफरेंट वेटेज कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे पहले आता है आपके चैप्टर्स के नाम। तो चैप्टर्स ये हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे 7 नंबर का 7 मार्क्स का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत छोटा चैप्टर है, इससे मात्र 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्टिक्स सबसे बड़ा चैप्टर, 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एटम एंड न्यूक्लियाई, इससे 6 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 7 मार्क्स का और कम्युनिकेशन सिस्टम से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको 12th के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के लिए, और इससे टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें वेटेज को देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरह का वेटेज होता है। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है सीबीएसई में VSA, जो कि 1 मार्क्स के लिए होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होता है और टोटल मार्क्स इसके 5 होते हैं। उसके बाद SA टाइप 1 होता है जो 2 मार्क्स के लिए होता है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होते हैं और टोटल मार्क्स इसके लिए 14 होता है। उसके बाद फिर SA टाइप 2 जो है 3 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 होते हैं और 36 मार्क्स वेटेज का ये SA टाइप 2 होता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। मींस टोटल 27 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्ज़ाम में, सीबीएसई के फिजिक्स के एग्ज़ाम में, और ये 70 मार्क्स के लिए होता है। अब डिस्कस करते हैं इसके आगे स्कीम ऑफ ऑप्शंस पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सबसे पहले तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, देयर आर 27 क्वेश्चन इन ऑल, टोटल 27 क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होते हैं, उसके आंसर आपको लिखने ही है। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। 4 सेक्शंस में बटे हुए होते हैं ये। इन 4 सेक्शंस के लिए सेक्शन A कंटेन 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, सेक्शन B कंटेन्स 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, सेक्शन C कंटेन्स 12 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड सेक्शन D कंटेन्स 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि सेक्शन A में 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, सेक्शन B में 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, सेक्शन C में 12 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और सेक्शन D में 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। इसके बाद फिर जो 4th पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, इसमें कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होता है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस और चॉइसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि वैसे तो ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D में, उनमें से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के लिए आपको चॉइस दिया हुआ होता है, इंटरनल चॉइस होता है ये। उसके बाद 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी इंटरनल चॉइस होता है और में करके दिया हुआ। फिर 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिया हुआ होता है और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होता है। मीन्स आप या तो क्वेश्चन को सॉल्व करें या उसके और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 मार्क्स इन टोटल हैज़ बीन असाइन टू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए 16 मार्क्स के अप्रॉक्स असाइन किया हुआ होता है, जो कि VSA, SA टाइप 1, SA टाइप 2 और LA, इन सब में से कहीं से भी लगभग 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आगे फिर है इसके डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन को। तो 15% क्वेश्चन ईजी सेट किया जाता है, उसके बाद 70% क्वेश्चन एवरेज लेवल का होता है और 15% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल का होता है। मीन्स डिफ़िकल्टी लेवल भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि एवरेज लेवल के क्वेश्चन 15% 70% एवरेज लेवल के क्वेश्चन होंगे, 15% क्वेश्चन ईजी होंगे और 15% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसका 20% ओवरऑल का 20% क्वेश्चन जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं उसके लिए असाइन किए हुए होते हैं। मीन्स टोटल VSA, एसए टाइप 1, एसए टाइप 2 और LA में लगभग 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं सब मिलाकर ओवरऑल में, जो कि HOT होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के होते हैं। पहले इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था जिसका एक अलग सेक्शन हुआ करता था 4 मार्क्स का, जबकि उसे हटा करके अब इसी में HOT क्वेश्चन को शामिल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है हमारा, ये है सिलेबस हमारा 12th फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है जिसमें कि आपको सारे चैप्टर्स के वेटेज ध्यान होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट कर बताएं कि कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।